सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के जिम्मेदार कुछ गायक हैं। सिद्धू मूसेवाला की तरक्की के चलते उसकी हत्या कर दी गई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में कुछ राजनीतिक लोगों का भी हाथ है। ये सब इल्जाम लगाए हैं सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकार सिंह ने, जिसके बाद से ही पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे की थ्योरीज फिर से हवा में तैरने लगी हैं। 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी और फिलहाल उस हत्याकांड को बीते महज 80 दिन ही हुए हैं। एक तरफ जहां पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल ज्यादातर गैंगस्टर्स को पकड़ लिया है और दो गैंगस्टर्स को तो एनकाउंटर में ढेर भी कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ अब सिद्धू मूसेवाला के पिता का ये बयान इस पूरे हत्याकांड को दूसरी दिशा में लेकर जाने वाला है। तो चलिए बताते हैं आपको क्या कहना है सिद्धू मूसेवाला के पिता का और कितने गंभीर हैं उनके इल्जाम। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। खबरों के मुताबिक इस रविवार को सिद्धू मूसेवाला के माता पिता से मिलने पंजाब के हजारों लोग पहुंचे थे। इसी दौरान बलकार सिंह ने अपने बेटे की हत्या के बारे में लोगों से बात की। उन्होंने कहा कि उनके बेटे का कत्ल इसलिए कर दिया गया क्योंकि उनके बेटे ने थोड़े ही वक्त में ज्यादा तरक्की कर ली थी। इसी दौरान सिद्धू मूसेवाला के पिता ने कहा कि सिद्धू के कत्ल के जिम्मेदार कुछ गायक भी हैं जो सिद्धू को अच्छा गाते नहीं देख सकते थे, लेकिन सिद्धू की हत्या करने के बाद ये गायक अब कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने ये भी इल्जाम लगाया है कि एक ग्रुप ने सिद्धू के गानों को लेकर सभी को गुमराह किया, यहां तक कि सरकार को भी गुमराह किया गया। उन्होंने एक एग्जाम्पल देकर भी कहा कि जैसे सिद्धू ने अपने एक गीत में कहा था, जिन लोगों से अपनी पत्नी संभाली नहीं जाती वो मुझे सलाह देते हैं। पिता के मुताबिक सिद्धू के इस गाने का गलत मतलब निकाला गया। सिद्धू के पिता ने ये भी कहा कि कुछ लोग चाहते थे कि सिद्धू उनके मुताबिक ही काम करे, लेकिन सिद्धू जितनी देर रहा खुद के दम पर रहा और मेरी भी जितनी जिंदगी है इसी तरह जीऊंगा। सिद्धू के पिता ने बताया कि जब उनका बेटा कनाडा गया तो उसके साथ कुछ गलत लोग जुड़ गए थे। बलकार सिंह ने कहा कि जल्द ही वो उन गुनाहगारों के नाम दुनिया के सामने रखेंगे जो उनके बेटे की मौत के जिम्मेदार हैं। यानी कि सिद्धू के पिता ने मूसेवाला की मौत को लेकर कुछ बातें तो की हैं, लेकिन जिन लोगों के बारे में ये बातें हैं उनके नाम फिलहाल उन्होंने दुनिया के सामने नहीं रखे हैं। सिद्धू मूसेवाला के पिता के इस बयान के बाद अब लोगों की नजर उनके खुलासे की तरफ है कि आखिर कब वो दुनिया के आगे उन लोगों का नाम लेते हैं जिन्हें वो अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार समझते हैं। हालांकि एक तरफ पुलिस ने जहां बदमाशों की धर पकड़ कर ये साफ कर दिया है कि इस कत्ल के पीछे गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर्स का हाथ है, वहीं सिद्धू मूसेवाला के पिता अगर ऐसे में किसी सिंगर या नेता के नाम का खुलासा करते हैं तो पुलिस के लिए भी जांच का दायरा अलग दिशा में बढ़ जाएगा। अब देखना ये होगा कि सिद्धू मूसेवाला के पिता कब इस हत्याकांड में शामिल लोगों के नामों का खुलासा करते हैं। हमारी नज़र भी इस ओर बनी रहेगी और अगर कोई भी खबर आती है तो आप तक पहुंचाएंगे ज़रूर। देखते रहिए अनकट।